तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि मेरा मेन चैनल एके आकाश मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। तो हे गाइस, आज का जो वीडियो है इसमें बहुत ही ज्यादा इमोशनल सेड मैं करता हूँ, ठीक है? क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है काफी थोड़ा इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है और आप लोगों को मेरी जो भी बात सुनोगे तुम लोगों को जरूर ना जरूर अच्छा लगेगा, ठीक है? दोस्तों मेरा चैनल जो है मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, ठीक है? इस वीडियो को शुरू से अगर लास्ट तक देखो मैं आप लोगों को पूरा क्लियरिफाई करता हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है और आपके साथ क्या होगा, ठीक है? इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो अभी तुम लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा इस वीडियो को अभी छोड़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि जितने भी यूट्यूब पे डबिंग चैनल है क्या ये मोनेटाइजेशन ऑन होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो चलो सबसे पहले इसी टॉपिक को जो है हम जो फाइंड कर लेते हैं। और दोस्तों मुझे एक फनी बात इसी में याद आ रहा है कि मैं पिछले आधा घंटा से यहाँ पे ना मोबाइल का कैमरा लगा के खड़ा था, एक लहसुन बेच रहा है यहीं पे, ठीक है? गाड़ी पे आया है और माइक वाइक लगाया है और बोल रहा है लहसुन है लहसुन, शायद तुम लोगों को सुनाई दे रहा होगा, ठीक है? सो मैंने अब ना खिड़की को बंद कर लिया है और भाई सोचा फिर भी उसका साउंड जो है आ रहा है, ठीक है? तो चलो इसको हटाओ। बात करते हैं कि जितने भी डबिंग चैनल है क्या ये मोनेटाइजेशन ऑन होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि डबिंग चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों YouTube का पॉलिसी में लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं से भी शॉर्ट वीडियो मूवी का सीन लेते हैं और उस पर अपना रिएक्शन करते हैं या फिर उस पर अपना फनी वॉइस लगाते हैं तो आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया जाएगा, ये YouTube ने खुद बोला है। तो दोस्तों ये चैनल मोनेटाइज होगा ही होगा, ठीक है? अब दोस्तों इसमें से काफी लोगों का ये डाउट होता है, अभी तक इस बात को सोच कर लेकर नहीं आते हैं यूट्यूब पे। हालांकि दोस्तों जब मैं पहली बार यूट्यूब पे आ रहा था तो दोस्तों मैं भी इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग दूसरा कंटेंट डालते हैं, ठीक है? तो ये तो यूट्यूब ने खुद मेंशन कर रखा है अपने पॉलिसी में, ठीक है? तो दोस्तों आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। दोस्तों मैंने इसको क्लियरफाई करने के लिए एक बड़े यूट्यूबर है एमजी गैंग, उनसे मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछा कि क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होता है डबिंग चैनल, तो वो बोला कि हाँ हो गया है मेरा। तो मैंने सोचा कि चलो भाई हम भी करते हैं, तो हमारा भी हो गया और जितने भी आज अभी तक यूट्यूब पे चैनल्स है सबका मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि मेरा मोनेटाइजेशन जो है ऑफ हो गया है। तो दोस्तों मेरे ऊपर ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं, जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया था, मैंने ऐसे बहुत सारे कमेंट देखा था, तो मैंने देखा कि इस कमेंट पे वीडियो बनाना चाहिए और इस कमेंट का राज बताता हूं कि आखिर लोग ये क्यों बोलते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया क्या भाई, ठीक है? चलो इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि सारे लोग के थॉट में यही है कि डबिंग चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, हो जाता है मोनेटाइज, ठीक है? और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि जब भी हमारा कोई वीडियो ओपन करता है ना तो ज्यादा एड नहीं आता है हम लोग के वीडियो पे, ठीक है? हमारे वीडियो पे 8000 9000 10000 व्यूज आने पे $1 बनता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग का कैटेगरी पता नहीं कैसा है, ठीक है? सच बता रहा हूँ, 10000 8000 6000 कभी कभी 5000 व्यूज पे $1 आ जाता है, नहीं तो 6000 7000 8000 पे ही $1 बनता है दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों ये तो तुम लोग समझ गए होगा कि क्यों लोग जो है बोलते हैं कि भाई तेरा चैनल मोनेटाइज हो गया क्या भाई, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारे वीडियो डेली देखते हैं, लेकिन वो देखते हैं तो उनको जो है एड नहीं मिलता है, तो उन लोगों को लगता है इसका चैनल मोनेटाइज है ही नहीं, ठीक है? और दोस्तों ये है मेरा बोया का माइक और यहाँ पे देखो वो जो लगाने वाला होता है वो भाई मेरा पता नहीं 10 दिन पहले गिर गया, ठीक है? तो मैंने जो है इसको बहुत ही अच्छे से सेट करके लगाया हूँ, ठीक है? दोस्तों ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि मेरा चैनल मोनेटाइज है या फिर नहीं है। आप लोग थंबनेल देख के बहुत ज्यादा क्लिकबेट किए होंगे कि इसका चैनल मोनेटाइज नहीं है, अरे भाई इसका चैनल तो मोनेटाइज था। तो दोस्तों ये देखो इसी को बोलते हैं क्लिकबेट। तुमने बहुत जल्दी से क्लिक किया और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा। तो हर वीडियो में बोलता हूँ कि वीडियो थंबनेल क्लिकबेट बनाओ, ऑडियंस को ज्यादा ज्यादा अच्छा वीडियो क्रिएट करो ताकि वो लोग फुल वॉच कर ले, और जब फुल वॉच यहाँ तक आप लोग कर लिए हैं तो मेरे को जरूर ना जरूर फायदा होगा, ठीक है? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल ये जो कमेंट लोग करते हैं ये लोग कमेंट नहीं करेंगे। और दोस्तों मेरे यहाँ पे ना सिर्फ अपने से रिलेटेड सुझाव देता हूँ, अगर आप लोग मेरे सुझाव या फिर मैं जो भी बोलता हूँ आप लोग को अच्छा लगता है और जो गलती हो जाता है भाई छोटा भाई समझ के माफ कर देना, ठीक है? जो भी चीजें मैं अपने से रिलेटेड यहाँ पे अपलोडिंग करता हूँ, अगर मेरा जो भी चीज आप लोग को अच्छा लगता है भाई, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और चैनल पर तो चैनल को कर देना भाई, ठीक है? तुम लोग समझ रहे हो।